हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज मैं आपको जो रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है नॉन टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली हुई है ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के साथ, उन वैकेंसी का फॉर्म भरना मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसका कम्प्लीट फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो काफी प्रॉब्लम आती है कि कैसे फॉर्म भरें, कोई गलती ना हो, तो इस वजह से मैं कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आराम से आप अपना बिना गलती के फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं फिलहाल जिस पेज पे हूँ वो आरआरबी की मेन वेबसाइट मतलब मेन पेज है, जहां से आप किसी भी, यहाँ से आपको मेन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये जो आपको लिंक है, जो वेबसाइट है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से जाके जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप इसी पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद से तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, जैसे ही आप यहां पे आ जाएंगे तो यहां आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज आएगा और आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने बार आरआरबीज हैं सभी यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर। तो जिस आरआरबी से आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसे आरआरबी से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ भोपाल को, तो भोपाल को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने क्लिक किया भोपाल पे। तो भोपाल पे सेलेक्ट करने के बाद एक नई विंडो फिर दोबारा से ओपन होगी और इसमें आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी जिनका जवाब आपको देना है। तो जैसे कि यहाँ आपसे पहले योग्यता पूछी जाएगी कि आप 10+2 यानी 12 से दे रहे हैं फॉर्म भर रहे हैं या ग्रेजुएशन से। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है आप उसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10+2 को चूज करने वाला हूँ, तो मैंने 10+2 को चूज कर लिया है। और आपसे पूछा जाएगा कम्युनिटी, तो कम्युनिटी यहाँ यानी आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, अदर कैटेगरी SC ST OBC EWS। तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आपको ये एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे SC कैटेगरी सेलेक्ट करने वाला हूँ, जिससे कि मुझे आई थिंक SC के लिए भी शायद फीस भरनी पड़ेगी, मेरे को श्योर नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल SC सेलेक्ट कर लेता हूँ। SC सेलेक्ट कर लिया मैंने, और करने के बाद क्या आप बेंचमार्क विकलांग PWD व्यक्ति हैं, अगर हैं तो यस और नहीं है तो नो। तो मैं यहाँ नो पे सेलेक्ट करूंगा और नो पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चेक अवेलेबिलिटी जो आ रहा है उपलब्ध जांच है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही नया पेज ओपन होगा आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नीचे काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी इस वाली टैब में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं जो जो वैकेंसी आपके लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं भोपाल में, अहमदाबाद में इतनी पोस्ट है। तो हमने भोपाल में किया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है अप्लाई, अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है। तो इस अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आप चाहे तो इसे पूरे को रीड आउट कर सकते हैं, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपको इन दोनों पे टिक करना होगा, करेक्ट का टिक कर लीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, तो पर्सनल डिटेल मैं डाल देता हूँ। तो हालांकि मैं पूरी मेरी इंफॉर्मेशन नहीं होंगी, ये किसी और की इंफॉर्मेशन है, ऐसा मान सकते हैं आप। इमेजिन किया मैंने कि किसी और की ही मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डालने के बाद अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आप फॉर्म भरे तो आप इस वीडियो को लेके बैठ जाइएगा, तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी ये सारी जो भी डाउट है वो क्लियर होते चलेंगे और आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने कौन सी जगह पे कौन सा लिया है। तो चलिए मैं डेट चूज कर लेता हूँ, अपनी मर्जी से मैंने कोई भी डेट चूज कर लिया है। अब यहाँ पे आधार कार्ड की स्थिति, अगर आपके पास आधार कार्ड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर सकते हैं, अगर आपने केवल अप्लाई किया हुआ तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चूज करूंगा आई डोंट हैव आधार कार्ड। यहाँ पिता का नाम पूछा जाएगा मेरे से, सॉरी यहाँ पे जो नाम था
पहले आपको अपना नाम डालना है रवि कुमार, और फिर यहाँ पे दोबारा से भी अपना ही नाम डालना है, ठीक है। दोबारा से आपसे कंफर्म करवाएगा आपका नाम, या डेट ऑफ बर्थ हो गई, या आई डोंट हैव आधार कार्ड, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, या पिता का नाम पूछा जाएगा, या पिता का नाम डाल दिया, नेक्स्ट में आ जाएगा मदर्स नेम, तो मदर्स नेम डाल दूंगा मैं यहाँ पे, मदर्स नेम डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे से पूछेगा रोल नंबर, दसवीं का आपका रोल नंबर क्या है, टेंथ का आपको रोल नंबर डाल देना है, तो टेंथ का मैं यहाँ पर रोल नंबर डाल दे रहा हूँ, टेंथ का मैंने रोल नंबर डाल दिया। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि आपने जब टेंथ पास की थी कौन सी ईयर में की थी, तो यहाँ मैं चूज कर लूंगा, तो सेलेक्ट करने के बाद जिस ईयर में आपने की हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको करना ही है डेफिनेटली, जिस ईयर में आपने पास किया वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, दो बार आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, दोनों जगह सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब आपसे ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मैंने यहाँ पे जीमेल आईडी डाल दी अपनी, जो भी ईमेल आईडी आपके पास हो वो आपको डाल देनी है, दो जगह डालनी पड़ेगी, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों जगह सेम होनी चाहिए, और उसके बाद ये आपका एक कोड आ रहा होगा, ये आपको इसमें फिल करना है 45W। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक टिक का निशान लगाना, आई हेयरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली, यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे उससे पहले एक बार चेक कर लीजिएगा सही भरा है या नहीं भरा है, तो करने के बाद फिर आप नीचे आ जाइएगा, और नीचे आने के बाद जारी रखने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको दिखा रहा होगा, आरआरबी रवि कुमार 15893, आई डोंट हैव आधार कार्ड, श्याम सिंह प्रेमवती 02271452009, और जो भी मोबाइल नंबर वगैरह है और ईमेल आईडी आपको दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे चेक पे सिग्नेट मतलब क्लिक कर देना है कि आई हैव वेरीफाइड द कंफर्म दैट ऑल डिटेल्स, मतलब ठीक है आपकी, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नो पे सेलेक्ट करके बैक टू डिटेल्स पे जाके दोबारा से इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको आई हैव वेरीफाइड मतलब ऊपर वाले ग्रीन वाले पे करना है, अगर कोई चेंजेस करने तो रेड वाले पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, सबमिट पे जैसे ही करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा इसे ओटीपी से, यानी जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर आपके पास मैसेज आएगा और वो मैसेज आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए हम वो वाला डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको वेरीफाई थ्रू ओटीपी, तो ओटीपी पे हमने क्लिक किया है, और करने के बाद हमें यहाँ पे डाल देना है अपना मोबाइल ईमेल आईडी डाल देते हैं हम, तो ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाएगा, दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है। एक आपको ईमेल आईडी वाला ओटीपी डालना पड़ेगा और एक आपको ओटीपी डालना पड़ेगा आपके मोबाइल नंबर वाला, तो दोनों ही ओटीपी आप चेक कर लीजिएगा, चेक जैसे आप करेंगे आपके पास पहुंच चुके होंगे, और वहां से आपको ये दोनों ही ओटीपी इसमें डाल देना है। तो अभी हम ओटीपी डाल देते हैं, एक मिनट थोड़ा टाइम लगेगा मुझे ओटीपी लेने में, अभी ये मेरे पास ओटीपी इसका पहुंचा नहीं है। चलिए मैं मोबाइल नंबर वाला ओटीपी एक बार डाल के देख लेता हूँ, पहले मोबाइल नंबर वाला डाल देता हूँ, हाँ अब मेरे पास ओटीपी आ गया है, तो चलिए मैं ओटीपी डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है, और नीचे आपको मोबाइल वाला ओटीपी डाल देना है, 4 डिजिट का ओटीपी नंबर होगा, दोनों पे अलग अलग जाएगा, दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का सेम नहीं होगा, मोबाइल का और ईमेल आईडी का। इसे करने के बाद आपको ये वाला कोड डाल देना है जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको सामने,
और करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपको पहले अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी के बाद आपको ईमेल आईडी का ओटीपी डालना है और उसके बाद आपको ये जो सामने कोड दिख रहा है ये वाला कोड डाल देना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा वो आपको शो होने लगेगा, तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को एक बार अपने पास नोट कर लीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने इसकी एक फोटो ले ली है कि जिससे आपको मुझे दिक्कत ना हो, अगर मुझे इसे लॉगिन करना हो तो मैं आराम से लॉगिन कर पाऊं। आप भी इसी तरीके से अपना कोई फोटो वगैरह ले लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मोबाइल पे इसका ओटीपी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये आपका जो फर्स्ट पेज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो करना है, अब आपको करना है लॉगिन। तो लॉगिन पे आप जैसे ही जाएंगे वहां पे आपके पास आपको जो नंबर मिला था, मुझे जो नंबर मिला था मैं उसी पे जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूंगा। डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जो ऊपर कोड दिख रहा होगा कैप्चा वो फिल कर देना है। ये करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया है और लॉगिन होने के बाद आपको ये कैंसिल करना है और फिर यहाँ आपसे आपके मार्क्स पूछे जाएंगे कि आपको 12th में कितने अंकों का प्रतिशत, 12वीं अंकों का प्रतिशत पूछा जाएगा कि कितना है, तो वो आपको यहाँ पे बता देना है कि कितना प्रतिशत है। तो मैं बता दूं मेरा 87% था तो मैं 87% चूज कर लेता हूँ। फिर कम्युनिटी आता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो चूज कर लेना। पहले मैंने एससी किया हुआ था तो अभी भी मैं एससी करूंगा और यहाँ पे आपसे राज्य पूछा जाएगा तो राज्य में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश करने के बाद फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी कि वहां से आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। फिर आपसे कास्ट पूछी जाएगी तो आप कास्ट डाल सकते हैं जो आपकी कास्ट हो। यहाँ पे मेल जो आप कैटेगरी हो आपकी वो डाल सकते हैं। राष्ट्रीयता सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा भी यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ट्राइब एंड रिफ्यूजीज, जो आपकी राष्ट्रीयता हो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ तो मैं चूज कर लूंगा। यहाँ पे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने अपना हिंदू कर लिया है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप बेंचमार्क विकलांग हैं, यस तो यस, नो तो नो। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर आप हैं तो यस कर लीजिएगा, नहीं है तो नहीं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लिए जो दंगे हुए थे उसके लिए, राज्य कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र खंड में कर्मचारी का पूछा जाएगा, अगर हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ग्रुप सी और डी में रेलवे कर्मचारी हैं या नहीं, नहीं तो नहीं, अगर हैं तो हाँ, ठीक है। क्या आप रेलवे संगठन के प्रशासनिक कार्यालय में कर्मचारी हैं, नहीं। ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ नीचे टिक का निशान लगाना पड़ेगा और टिक करने के बाद आपको सेव कर देना है। इसे सेव करने के बाद आपका इंडिकेट मेरिट्री, तो इसका मतलब होता है जहां पे भी आपको ये स्टार दिखाई पड़े इसका मतलब ये है वो चीज आपको 100% फिल करनी ही करनी है। अब यहाँ पे आगे आ जाता है पेमेंट, तो पेमेंट के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो पेमेंट उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि एक बार किया गया भुगतान रद्द नहीं किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में रद्द करने और परीक्षा शुल्क वापस करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि आप बैंक से पेमेंट करेंगे या पोस्ट ऑफिस से पेमेंट करेंगे, जो भी आपका ऑप्शन हो जिससे भी आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम चूज कर लेते हैं पहले बैंक, तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे नाउ पे मैंने सेलेक्ट किया, तो आपको जो भी डेबिट कार्ड वगैरह हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसे सेलेक्ट करने के बाद जब आप कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे तो वहां से आपकी जो कार्ड की डिटेल होंगी वो डिटेल वगैरह पूछी जाएंगी और आपके पास एक ओटीपी वगैरह जाएगा और वहां से आप उसे कंफर्म करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट डन होने के बाद फिर आपका एक नया पेज ओपन होगा, उसकी तरफ अगर हम चलें तो यहाँ अभी मेरा शो नहीं करेगा क्योंकि जो मैंने अभी इसका पेमेंट कंप्लीट नहीं किया, यही रीजन है कि मुझे यहाँ पे शो नहीं करेगा। जो मेरा नेक्स्ट पेज होगा वो ओपन नहीं होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इतना ही बताने वाला हूँ और बाकी की जो
नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा। एक और वीडियो आएगी, अभी मैं हो सकता है कि इससे 2-4 घंटे बाद या एक दिन बाद वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जब मैं अपनी सारी डिटेल अपलोड कर दूंगा तो मैं अपना जो ओरिजिनल फॉर्म भरूंगा उसमें मैं आपको ये पूरी डिटेल वहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।